Let us discuss now, explain the rights of patentee. Patent holder भी कह सकते हैं पेटेंटी को, जिसका आविष्कार है वो पेटेंटी है, जिसने रचना की है, जो रचयिता है, जिसने कुछ नया निर्माण किया है देश के लिए, साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस, उसने कोई प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलप की हो अल्टीमेटली, या प्रोडक्ट डेवलप किया हो, या कुछ टेक्निकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कुछ काम किया, तो वो पैटेंट ही है। पैटेंट होल्डर के राइट्स क्या है, पैटेंट ओनर के राइट्स क्या है, तीनों तीन शब्द एक ही व्यक्ति के हैं। पैटेंटी इज ऑल्सो नोन एज पैटेंट होल्डर, इज ऑल्सो नोन एज पैटेंट ओनर। चलिए राइट्स देखते हैं, अधिकार क्या है पैटेंट होल्डर के। राइट टू एक्सप्लॉइट द पैटर्न। इन इंडिया द पैटेंट होल्डर इज प्रोवाइडेड विद द राइट टू मैन्युफैक्चर, यूज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द पैटेंटेड गुड्स। कितने अधिकार है, जो चीज का आविष्कार आपने किया है उसका आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जनता तक पहुंचनी चाहिए वो चीज। इन केस द इन्वेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, द ओनर ऑफ द पैटेंट हैज द राइट टू डायरेक्ट द प्रोसीजर टू द अदर पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द पैटेंट। मान लीजिए आपने अपनी चीज का प्रोसेस का पैटेंट करवाया है, कोई प्रोडक्ट के प्रोसेस का पैटेंट करवाया है, तो आप अपनी इस प्रोसेस को दूसरे लोगों को बेच सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। दिस राइट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द एजेंट ऑफ द पैटेंट होल्डर, यानी पैटेंट होल्डर का एजेंट भी अगर ये प्रक्रिया करना चाहे तो कर सकता है, पैटेंट होल्डर ने उसे ये अथॉरिटी दी हुई। पैटेंट होल्डर की जगह पे एजेंट ने भी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी अन्य व्यक्ति से, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा पैटेंट होल्डर का, तो कर सकता है। राइट टू असाइन एंड लाइसेंस। द पैटेंट होल्डर इज ग्रांटेड विद द राइट ऑफ असाइनिंग एंड ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटेंटेड प्रोडक्ट टू अदर्स। आपने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया एज अ पैटेंट होल्डर, आपने अपनी चीज आपके आविष्कार का आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप अब दो चीजें कर सकते हैं, आप अपनी चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोसेस हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है, राइट्स उसके जो है वो आप प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं करना है, प्रोडक्ट की राइट्स ट्रांसफर करनी है, भाई आप भी ये चीज मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या आप उसको लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं एक तरीके से कि आप भी ऐसी चीजें बना सकते हैं, तो जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का उपयोग करके सोसाइटी तक, एंड यूजर्स तक, हमारे तक ये चीजें पहुंचेगी और हमारे बेनिफिट के लिए काम किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इस तरीके से हो सकता है पैटेंटेड प्रोडक्ट्स का, जहां जो पैटेंटी है वो उसके पास दो अधिकार है, वो अपने अधिकार को ट्रांसफर कर सकता है प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, और सामने वाले को लाइसेंस, वो खुद लाइसेंस, उसने तो ले ही लिया लाइसेंस, वो खुद भी दूसरों को लाइसेंस दे सकता है। इन केस देयर आर को ओनर्स ऑफ द पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, से ज्यादा ओनर हो तो परमिशन टू ग्रांट लाइसेंस टू द अदर पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द को ओनर्स। दोनों तैयार होने चाहिए, एक्स और वाई अगर दो को ओनर्स है पेटेंटेड प्रोडक्ट के, तो दोनों रेडी होने चाहिए अपनी परमिशन देने के। The license would be considered to be granted when the request has been duly authorized by the controller. The license would be considered to be granted when the request has been duly authorized by the controller. आपको तो license मिल गया है, आपने तो grant ले ली है, आपने किसी और को license देना है तो भी आपने controller यानी जो head है उससे तो permission लेनी होगी, government authority है controller, उससे आपने परमिशन लेनी होगी, किसी और को भी अगर आप लाइसेंस देना चाहते हैं आपने पहले खुद लाइसेंस ले लेना है, और उसके बाद किसी और को भी अगर लाइसेंस चाहिए तो आप कंट्रोलर से उसकी परमिशन आपको मांगनी है, ग्रांट मांगनी है, रिक्वेस्ट करनी है। राइट टू सरेंडर द पैटर्न। सरेंडर क्या होता है, आपने क्रिमिनल को देखा होगा चोरी वगैरह करते हैं, मर्डर वगैरह करते हैं, तो पुलिस कहती है सरेंडर कर दीजिए, सजा कम होगी। सरेंडर पहले शब्द समझ में आना चाहिए, व्हाट इज सरेंडर, यही आपने जो आविष्कार किया है हो सकता है उसको सरेंडर करने की बात की जा रही हो। राइट टू सरेंडर द पैटर्न।
ओनर ऑफ द पैटर्न हैज अ राइट टू सरेंडर इस पैटर्न आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर। आपके आविष्कार को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को भी, तो भी आपको पुलिस को पूछना पड़ेगा कि आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो भी तो रेडी होना चाहिए। वैसे ही कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट को सरेंडर करना चाहता हूँ, अपने पैटर्न राइट को सरेंडर करना चाहता हूँ, उसके लिए परमिशन चाहिए। द कंट्रोलर देन एडवर्टाइज अबाउट दिस सरेंडर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द इंडियन पैटर्न एक्ट। अगर आप अपनी चीज का सरेंडर कर रहे हैं, पैटर्न को सरेंडर कर रहे हैं, पैटर्न राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं, तो कंट्रोलर इसकी एडवर्टाइजमेंट देगा, अनाउंसमेंट करेगा। जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है इंडियन पैटर्न एक्ट के हिसाब से, वो फॉलो करेगा। इसका भी एडवर्टाइजमेंट होगा, वेबसाइट पे रखा जाएगा, मिस्टर एक्स अपनी पैटर्न को सरेंडर कर रहे हैं, उसकी जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे कंट्रोलर। Head. The party is interested in getting the ownership. The party is interested in getting the ownership of the patent can then approach to the controller. Advertisement इसीलिए की जा रही है कि एक व्यक्ति ने अपने आविष्कार को, ये patent जो authorized व्यक्ति है controller वहाँ surrender कर रहा है, वो अपना निर्माण को आगे extend नहीं करना चाहता है, use नहीं करना चाहता है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, तो वो अपने आविष्कार को सरेंडर कर दे रहा है, जिससे क्या होगा, कोई और इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा तो वो उसके ओनरशिप प्राप्त करने के लिए अप्रोच करेगा कंट्रोलर। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप किसी चीज को यूज नहीं कर पा रहे तो आप सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, जमा करते हैं, डिपोजिट करते हैं, ताकि कोई और योग्य व्यक्ति होगा तो वो उसके ओनरशिप प्राप्त करके अपना काम शुरू करेगा और पब्लिक तक वो चीज पहुंचेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचेगा वहां तक। The controller examines the party's claim and surrender the ownership respect. Controller का काम क्या है? Verify कर लेना, check कर लेना, जो आविष्कार का grant दिया गया था, वही आविष्कार surrender किया जा रहा है कि क्या? तो ये उसकी ownership वगैरह और जो patent right grant किया गया था, जो वो respectively examine करना है उन्होंने, one by one check करना है और फिर ही ये process complete। राइट बिफोर सीलिंग, सीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पैटर्न एक्ट इंप्लाइज दैट अ पैटर्न इज सील्ड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। द पैटर्न इज सील्ड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस टू द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द नोटिफिकेशन। The right of the patentee begins after the notification for acceptance has been presented. So before sealing, यानी आपने जो भी registration की प्रक्रिया करी है patent की, उसको seal कर दिया जाएगा। यानी कोई और इसको patent का right, कोई और इस पे claim नहीं कर पाएगा। सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप इस तब तक अपनी चीजें यूज कर सकते हैं, आप ओनरशिप मिल चुकी है, आपका आविष्कार है, यू कैन यूज इट, आप अपना काम शुरू रख सकते हैं, इतना अधिकार है हमारे पास। जब तक इसका नोटिफिकेशन ना आ जाए, एक्सेप्टेंस का परमिशन ना मिल जाए, तब तक आपके पास इसका अधिकार है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही सीलिंग हो गया फिर तो आप मानेंगे क्योंकि आपको एक तरीके से ग्रांट मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। राइट टू अप्लाई फॉर द पैटेंट ऑफ एडिशन। आपने जो रचना की है उसमें कुछ आपने इनोवेशन किया हो, कुछ नया और एडिशन किया हो, तो क्या वो एडिशन हो सकता है अंदर? मान लीजिए आपने प्रोसेस में 5 स्टेप्स रखे हो मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आपको लगता है ये एक चीज अगर ऐड कर देंगे तो ये प्रोडक्ट और भी निखर के आएगा, क्वालिटी हो जाएगी इसके अंदर, और ये ज्यादा अच्छा रहेगा ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो एक 6 स्टेप ऐड करना है, तो क्या एडिशन हो सकता है आपके पैटर्न के अंदर? बिल्कुल हो सकता है। दिस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 टू 56
26 of the Indian Patent Act. This provision provides for the modification in the existing invention. जो भी invention आपने किया उसमें modify, आपको modification करना है, कुछ changes करना है, तो हो सकता है. The patent holder is granted the right of the modified invention after the notification of the acceptance. जैसे ही आपके acceptance notification declare हो जाता है, आपको grant मिल गई है. और आप मान लीजिए पहले आपने प्रोडक्ट प्रोसेस में 5 स्टेप्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो 6th स्टेप आपने एडिशन के लिए कहा था, उसकी परमिशन अगर आपको मिल गई है तो अब से आप अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 6 स्टेप्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग. वंस द नोटिफिकेशन इज प्रेजेंटेड द ओनर इज प्रोवाइडेड विद द सेम राइट्स एज प्रोवाइडेड टू द प्रीवियस. अधिकार वही रहेंगे जो पहले के थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, खाली आपकी प्रक्रिया में चेंज आने वाले. ये एडिशन हो गया आपकी प्रक्रिया में और इसके भी परमिशन मिल सकते हैं. तो अगर आप कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं. राइट इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट. इंफ्रिंजमेंट क्या होता है? वायोलेशन. किसी ने आपके प्रोडक्ट का दुरुपयोग किया हो, वायोलेशन किया हो, भंग किया हो. भंग अगर हो जाता है तो उसमें जो पैटेंटी है, पैटेंट ओनर है, वो कौन से स्टेप्स ले सकता है, उसके पास क्या अधिकार है? Then any of the right of the patent holder is violated, infringed, क्या कह सकते हैं violated. Then it is termed as patent infringement. जो अधिकार आपने मिस्टर एक्स नाम की व्यक्ति को दिए थे, उसमें अगर उसने कुछ मिसयूज किया है, वायलेशन किया है, वहां पैटर्न इंफ्रिंजमेंट हो गया है, वायलेशन हो गया है. आपने जो अधिकार उनको दिए थे उसका उसने दुरुपयोग किया है, तब की बात है. दिस इज टू मीन दैट इफ द पैटेंटेड इन्वेंशन इज यूज, पैटेंटेड इन्वेंशन इज यूज मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड फॉर कमर्शियल पर्पज बाय एनी पर्सन. जैसे अभी बीच में हो रहा था कोवैक्सीन में, भाई मान लीजिए वैक्सीन की प्राइस रियल प्राइस 400-500 रुपए हो, लेकिन लोग 4-5 हजार ले रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग कर रहे हैं. ये तो एक प्रोडक्ट की बात हो, यहाँ आपके आविष्कार के बेसिस पे कोई और किसी से ज्यादा पैसे ले रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा कर रहा हो, जहाँ मान लीजिए आपने 10 हजार खर्चे हो और आप सामने वाले से 40 हजार मांग रहे हैं, 50 हजार मांग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लाइसेंस के लिए, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचना है. कमर्शियल पर्पस एक हद तक ठीक है, रीजनेबल प्राइस तक ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सेस. अगर ऐसा करते हैं patented invention is used, manufactured or sold for commercial purpose by any person, then it will be accused of patent infringement. तब आपने आप गुनेगार के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने पैटर्न का भंग किया, नियम का भंग नहीं चलेगा. In case of violation of patent is right, किसी और के अधिकार का आपने भंग कर दिया है, the patentee can approach either the district court or high court. हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी. ऐसी If the person is proven guilty of infringement, the court will either grant permanent injunction or damages or both. अगर सामने वाले की गलती पता चल गई, साबित हो गया, गलत काम किया है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उपयोग किया गया है, आविष्कार का उपयोग कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वहां पे उसको रोका जा सकता है, परमानेंट इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी उस पर रोक लगाई जा सकती है हमेशा के लिए. या अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान क्लेम किया जा सकता है, दोनों भी हो सकता है. राइट टू मेक कन्वेंशन एप्लीकेशन. कन्वेंशन एप्लीकेशन यानी आप अपनी चीज का, अपने आविष्कार का एग्जीबिशन करना चाहते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल सकता है. अदर कंट्रीज में जाके अपनी चीज का एग्जीबिशन कर सकते हैं और उसका प्रोटेक्शन मिलता है. अदर कंट्रीज में अपनी चीजों का एग्जीबिशन करना चाहते हैं, कन्वेंशन करना चाहते हैं, पॉसिबल है और उसके लिए प्रोटेक्शन मिलता है. राइट टू बी इश्यूड डुप्लीकेट पैटर्न. आपका आविष्कार अगर हो जाए तो, आपने फीस पे करी है और आपकी फीस रिसीव हो जाए तो क्या आपको
आपको मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। सेम ही कि मान लीजिए आपका आपने जो आविष्कार किया, अगर वो चीज हो जाए, चोरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, आपको डुप्लीकेट पैटर्न मिलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो मिलेगा, ये तो गैर आप राइट टू बी सप्लाइड कॉपीज एंड सर्टिफिकेट्स, द पैटेंटी टू बी इशूड विद सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पैटर्न्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फी। आप फीस पे कर दिए, आप पे करने के बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, कॉपीज वगैरह, ये सब